दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड योनो एसबीआई में कैसे रिसेट करते हैं, यानी कि नया कैसे बनाया जाता है। तो बहुत सारे भाई लोगों का सवाल आया, तो चलिए हम आपको इस टॉपिक पे वीडियो हम आपको देते हैं। तो सबसे पहले आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से जो है लॉग इन कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो है लॉग इन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद आप एम पिन से भी लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको योनो पे पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए व्यू बैलेंस के नीचे मैं योनो पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बैंक अकाउंट। के बाद यहाँ पे देखिए आपको पे ए न्यू बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद यहीं पे आता है देखिए इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड। तो जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपको इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड मांगा जाता है। तो कैसे इसको फॉरगेट किया जाता है, कैसे नया बनाया जाता है, बहुत सारे व्यक्ति को यहाँ पर इशू आ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में कम्प्लीट इशू हो जाएगा कि कैसे उसको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपको क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन आंसर, तो उसे भी आप कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे आप एटीएम की मदद से आप यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना एटीएम कार्ड नंबर देंगे, जो भी आपके खाते का एटीएम कार्ड है, उसके बाद एटीएम पिन यहाँ पे देंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेट योर न्यू इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी रखना चाहते रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देंगे री इंटर में, वही दोबारा देंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से आपको बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, तो यहाँ पे बिटवीन 8 to 20 कैरेक्टर का आप दे सकते हैं, यानी कि 8 से 20 कैरेक्टर का आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट भी देना है, कुछ डिजिट भी देना है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी देना है। आप अपना पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे री इंटर पे फिर से पासवर्ड दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पासवर्ड सेट कर चुके हैं, एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा कन्फर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कन्फर्म पे क्लिक करेंगे नीचे में जो है बॉक्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, सर्चिंग लेने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है, जो कि नीचे में बटन है। यहाँ पे OTP दे चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका OTP नहीं आता है तो देखिए रिसेंट OTP का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरा OTP आ चुका है एक ही बार में, तो यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए प्रोफाइल पासवर्ड चेंज, यू हैव सक्सेसफुली चेंज योर इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, यू विल नाउ बी लॉग आउट। तो यहाँ पे गो टू लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम जो है रेटिंग भी दे सकते हैं, तो कितना आप रेटिंग देना चाहते हैं, गुड एक्सीलेंट वो दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ये बेहतर काम करें। तो इस तरह से आप जो है प्रोफाइल पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुँच जाए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना तो उस टॉपिक का भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम आपके टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए तो। धन्यवाद।